दिसंबर और जनवरी तो मनाली में बिल्कुल भी स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिला। फरवरी के फर्स्ट वीक में काफी ज्यादा स्नोफॉल देखने के लिए वहां पर मिला है। दो हफ्ते पहले स्नोफॉल हुआ था और मेरे बीच आप देख सकते हो कितना स्नो जो अभी तक बची हुई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और जो धूप की वजह से बर्फ काफी ज्यादा चमक गई, जिससे कि आंखें खोलने में दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर जो आप बर्फ में आ रहे हैं तो जो सनग्लासेस पहन के आए। हेलो गाइस, मेरा नाम सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल। इस वीडियो में बात करूंगा मैं मनाली की। इस वीडियो में बात करूंगा मार्च में मनाली में कैसा मौसम रहेगा, आपको वहां पर स्नोफॉल या फिर स्नो देखने के लिए मिलेगी, वहां पर आपको मार्च क्राउड देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बात करूंगा होटल और बजट की, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो आप देख सकते हो यार, काफी ज्यादा स्नो है। दो हफ्ते पहले स्नोफॉल हुआ था, तो अभी आप देख सकते हो अभी भी जो यहाँ पर इतना 1 फीट से ज्यादा स्नो अभी तक यहाँ पे बचा हुआ है, काफी ज्यादा स्नो है। तो चलिए बात करता हूँ मैं मार्च की। मार्च में मनाली में जो विंटर मंथ खत्म हो जाता है और जो थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ने लग जाती है, मार्च में मौसम आपको साफ भी देखने के लिए मिलेगा, साथ ही में यहाँ पर बारिश भी आपको मार्च में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर आपको 12 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर की बात करूँ मिनिमम टेम्परेचर आपको यहाँ पर 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिलेगा। मार्च मनाली का ऑफ सीजन मंथ होता है, इस टाइम यहाँ पर आपको थोड़ा कम क्राउड देखने के लिए मिलेगा। कम क्राउड होने की वजह से आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आपको होटल चाहिए या फिर आपको टैक्सी चाहिए सब में आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बात करता हूँ मैं आपको मार्च में स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया एनवायरमेंटल चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जो दिसंबर जनवरी और फरवरी में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती थी, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि दिसंबर में काफ़ी कम स्नोफॉल हो रही है, जनवरी में थोड़ी बहुत स्नोफॉल देखने को मिल रही है। इस बार तो जनवरी में बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है और फरवरी में जो स्नोफॉल हो रहा है, और अभी और चांसेस है कि आपको फरवरी में और स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। बहुत बार देखा गया है कि अगर जो दिसंबर या फिर जनवरी में स्नोफॉल नहीं होता है, फिर जो आपको मार्च और अप्रैल यहाँ तक कि अप्रैल में भी स्नोफॉल देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बात करता हूँ आपको मनाली में स्नोफॉल कहाँ होगा। अगर बात करूँ मैंने मनाली या फिर सोलांग वैली की, यहाँ पर तो आपको स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो स्नोफॉल के लिए आपको जाना पड़ेगा अटर्न सिसु और कोक्सो साइड, वहाँ पर जो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं मार्च में स्नोफॉल होने के। वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, जिसकी वजह जो वहाँ पर स्नोफॉल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बात करूँ मैं स्नो की, तो मार्च में आपको कुछ जगहों पर स्नो देखने की मिल जाएगी। आपको जो सोलांग वैली में स्नो देखने की नहीं मिलेगी, उस टाइम के लिए स्नो पूरी तरह से पिघल जाती है। तो स्नो के लिए आपको जाना पड़ेगा अटर्न सिसु और कोक्सर साइड। अगर आपको स्नो एक्टिविटी करनी है तो आपके लिए सिसु और कोक्सर काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। कोक्सर में आपको ज़्यादा स्नो देखने के लिए मिलेगी, सिसु में आप जा सकते हो। कुल मिला के बात ये आपको मेन मनाली में कोई भी स्नो देखने के लिए मिलेगी, तो स्नो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अटर्न साइड। तो स्नो एक्टिविटी भी आपको वहीं पर ही मिलेगी। तो चलिए बात करता हूँ आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। अगर आप एक बजट ट्रैवलर है, अगर आपको कम खर्चे में मनाली घूमना है, तो ये बेस्ट टाइम है आने के लिए। इस टाइम आपको स्नो भी देखने मिल जाएगी, अगर आप लकी हुए तो आपको यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में इस टाइम आपको मनाली का वेदर काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। इस टाइम तो ज़्यादा गर्मी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ ही आपको ज़्यादा ठंड देखने के लिए मिलेगी। साथ ही में अगर आपको ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है, तब भी आप जो मनाली आ सकते हो, इस टाइम आपको काफ़ी कम क्राउड देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करिए या फिर नीचे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।